हे hey, कैसे हो सारे। मैं विक्की सिंह, एक डाइटिशियन, और आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है एग प्रोटीन वर्सेस द वे प्रोटीन। ठीक है, दोनों प्रोटीन बड़े वाइडली वेल नोन हैं, बहुत चल रहे हैं आजकल इंडियन मार्केट के अंदर, और हर कोई दूसरा तीसरा बंदा प्रेफर करता है। इस रेस के अंदर से वो लोग तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं जो कि वेजिटेरियंस हैं। ठीक है, और वेजिटेरियन होना बुरा नहीं है। ठीक है, वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं वेजिटेरियन लोग। ठीक है, थोड़ा सा शुरू करते हैं इस वीडियो को। वे प्रोटीन की बात करें तो वो एक वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो कि मिलता है दूध से। दूध के अंदर दो तरह के प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन एंड केसीन प्रोटीन। वे प्रोटीन इज़ अ फास्ट एक्टिंग प्रोटीन एंड केसीन प्रोटीन इज़ अ स्लो एक्टिंग प्रोटीन। ठीक, तो वे प्रोटीन को हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो अगर हमारी जो जल्दी नीड्स हैं मसल बिल्डिंग की, उन्हें पूरा करने के लिए फास्ट एक्टिंग प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक, तो वो वे प्रोटीन है। तो वे प्रोटीन इज़ अ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए वे प्रोटीन के लिए थम्स अप। नेक्स्ट, एग प्रोटीन। एग प्रोटीन इज अ कंप्लीट प्रोटीन जस्ट लाइक वे प्रोटीन, नेचुरल जस्ट लाइक वे प्रोटीन, एंड ईजिली डाइजेस्टेबल। ऑलमोस्ट सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता है विदाउट वेस्ट। ठीक, और सबसे बड़ा एडवांटेज, उसके अंदर आपको प्रोटीन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। आई एम टॉकिंग अबाउट द एग वाइट्स, नॉट द होल एग। ठीक, तो उसके अंदर आपको सिर्फ मिलता है प्रोटीन, और प्रोटीन के अलावा उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता। बट वे की कई सारी क्वालिटीज़ आती हैं, तो वे के अंदर अगर बेटर वे लेंगे आप, जो बेस्ट क्वालिटी वे लेंगे, तो उसके अंदर हो सकता है आपको कि 30 ग्राम की सर्विंग के अंदर 25 से 26 ग्राम, ठीक है, इवन कुछ कंपनी 27 ग्राम भी प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। बाकी 3 ग्राम आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल और थोड़ा सा फैट या थोड़ा शुगर या छोटा कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों मिलते हैं या नहीं। दोनों बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट के अंदर, और अंडे तो आपको पता ही है। नेक्स्ट बात करें प्राइस की, तो वे प्रोटीन बहुत महंगा है अगर आप किसी अच्छी कंपनी का ख़रीदते हैं, वेल नोन कंपनी का। और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि वेल नोन कंपनीज का ही लें। क्यों? नई जो कंपनियाँ आ रही हैं, जब ये वेल नोन हो जाएं तब इन्हें ख़रीदें, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें प्लीज़। ठीक, लेकिन एग वाइट जो है सस्ता है, चीप है। एक थोड़ा सा अंदाज़ा बता देता हूँ, 30 ग्राम की सर्विंग जो है, मतलब लगभग आप समझ लो कि 25 ग्राम जो आपको प्रोटीन मिल रहा है वे प्रोटीन से, वो लगभग 100 रुपये का मिलता है इसकी। ठीक है, 100 रुपये का पड़ जाता है आपको। लेकिन बात करें 20 ग्राम प्रोटीन या 25 ग्राम प्रोटीन अंडे से लें आप, तो आपको लगभग 20 से 30 रुपये की पड़ती है। तो एग वाइट का प्रोटीन चीप, वाइडली अवेलेबल। वे प्रोटीन वाइडली अवेलेबल लेकिन महंगा है। ठीक है, तो अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ले, नहीं कर सकते तो अंडों पर जाएं। और वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन लोग अगर वे अफोर्ड नहीं कर सकते और अंडे नहीं खा सकते, तो जस्ट गो फॉर द डेरी प्रोडक्ट्स। उनके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन है, कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल उसके अंदर नहीं है। लेकिन किसने कहा कि एक ही प्रोटीन सोर्स से आपको प्रोटीन पूरा करना है? माना दूध के अंदर 7 अमीनो एसिड मिलते हैं, तो दाल के अंदर भी तो कुछ मिलते हैं, सोया के अंदर भी तो कुछ मिलते हैं, मूंगफली के अंदर भी तो कुछ मिलते हैं। जस्ट गो एंड ब्रिंग देम आउट, मिक्स करके खा लो यार, अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो जाएगी। तो ये सारी फेक न्यूज़ हैं जो कि लोग फैलाते हैं कि मिल्क जो है कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन उसके अंदर से सारे अमीनो एसिड नहीं मिलते। उसी दूध से वे बना रहे हैं, वही वे प्रोटीन आपको पिला रहे हैं। ठीक है, और अगर वे प्रोटीन आपको वो नेचुरल नहीं दे रहे हैं, जस्ट लाइक कि सारी अमीनो एसिड प्रोफाइल उन्होंने पूरी कर रखी है, कैसे? उसके अंदर BCAA मिलाया हुआ है, ग्लूटामिन मिलाया हुआ है, उसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स मिलाए हुए हैं, तो मतलब वो तो कंप्लीट आपने दवाई तैयार कर दी ना एक फार्मास्यूटिकल्स वाली, तो वो आपको नुकसान तो करने ही करने है। और सीधी सी बात है, वे प्रोटीन बहुत दिनों तक डब्बे के अंदर रहता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझें कि वे प्रोटीन पाउडर बहुत दिनों तक डब्बे के अंदर रहता है, फिर भी कई 6-6 महीने, 7-7 महीने, 1.5-2 साल तक वो ख़राब नहीं होता। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके अंदर, और वो आपकी हेल्थ के लिए तो ठीक नहीं। फ्लेवर है उसके अंदर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है उसके अंदर, कलरिंग है उसके अंदर, वो तो आपके लिए ठीक नहीं है ना। तो बस थोड़े से ये है, लेकिन वहीं मैच करें वेजिटेरियन फूड्स और जो कि नेचुरल हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। अब बात करें कि यार दूध भी तो इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा कर आ रहा है, और जो कि हरी सब्जियाँ हैं उन पर भी पेस्टिसाइड वगैरह छिड़का हुआ है, तो
अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो फिर तो आप सोचते ही रह जाएंगे, ठीक है, तो आप सोचते ही रह जाएंगे ना। और एग्स की बात करें तो गुड, अच्छा सोर्स है। अब बात तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, और इसको ब्रीफ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि हर जगह पर कुछ ना कुछ मिलावट आजकल चली रही है। आप मुर्गी फार्म्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको पोल्ट्री फार्म के अंदर भी पता है कि किस तरीके से एग बनाए जाते हैं और किस तरह के केमिकल्स उन मुर्गियों को दिए जाते हैं। तो हाँ, अंडों के अंदर भी कुछ मिलावट हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। वीडियो के अंदर इतना ही, दोनों का कंपैरिजन यही था। दोनों अच्छे प्रोटीन हैं, दोनों प्रोटीन आप ले सकते हैं, कंप्लीट प्रोटीन है, नेचुरल हैं, अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं। बस अफोर्ड कर सकते हैं तो वे ले लें, नहीं ले सकते तो एग वाइट से काम चला लें। वेजिटेरियन है तो दोनों को स्किप कर सकते हैं। अगर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप डेयरी से, दालों से, अदर फूड सोर्स से कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स इट बस बस बस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। किसी को इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, और अभी यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो डाउन, हिट द रेड बटन, सब्सक्राइब माय चैनल ब्रो, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।